हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग का स्टार्ट मैं मॉर्निंग 7 बजे से कर रही हूँ। अभी सुबह के 7 बजे हैं और आज दिन है संडे। तो वीडियो पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। तो आज मैं खाने में बना रही हूँ लौकी का 2 प्याज़ा और इसके साथ मैं बनाऊँगी चावल। रोटी इस टाइम नहीं बनाऊँगी, तो यही नाश्ता हो जाएगा, चाहे आप लंच समझिए। तो अभी मतलब यही मैं खाने में बनाऊंगी। और ये जो कि खाने में हेल्दी भी है, लौकी ज़्यादा नुकसान वगैरह भी नहीं करता है। और मैं जैसे कि किडनी की पेशेंट हूँ तो लौकी मुझे भी फ़ायदा करेगा, और तनु के पापा को भी शुगर है तो उनके लिए भी लौकी ठीक ही रहता है। मतलब हम लोग कोई भी लौकी खाए, करेला खाए, तो ये सब सबको ही फ़ायदा करता है। तो इसलिए मैं लौकी को बना रही हूँ। और लौकी का ऐसे प्लेन बनाती तो अच्छा नहीं लगता, तो आज मैंने कहा कि मैं लौकी का 2 प्याज़ा बना रही हूँ जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ गाइज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो यहाँ पे मैं लौकी को बड़े बड़े साइजेस में कट कर रही हूँ, जैसे मतलब बड़ा बड़ा काट रही हूँ क्योंकि मुझे इसको मसालेदार बनाना है। तो मैं ज़्यादा पतला नहीं करूँगी क्योंकि भुजिया बनाऊँगी नहीं, मसाले वाली सब्ज़ी बन रही है लौकी की, तो ये काफ़ी बड़ा बड़ा पीसेज है। और उसके साथ मैं प्याज को कट कर लूँगी। तो गाइस यहाँ मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया, उसमें मैं करीब 6 चम्मच के आसपास मैंने सरसों का तेल डाला है। और उसके साथ ही मैं 2 साबुत लाल मिर्चें डाल दी हूँ। और इस सब्ज़ी में लाल मिर्चा का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, मतलब खड़ा लाल मिर्चा, तो मैंने इसी वजह से इसको ऐड, आप ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करूँगी, जैसे कि 1 छोटी इलायची मतलब हरी इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा जावित्री, तो ये सारे मसाले, और थोड़ा सा मैंने पोस्तादाना और काली मिर्च को भी ऐड किया है। ये सारे खड़े गरम मसाले मतलब इसमें मैं थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी। और उसमें थोड़ा सा मैं 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर रही हूँ। और इन सबको थोड़ा सा सॉटे करने के बाद इसमें मैं प्याज को ऐड करूँगी। और प्याज डालने के बाद मैंने छोटे छोटे साइजेस के 3 खड़े लहसुन भी डाल दिया है। तो मैंने लहसुन को इसमें छील के या पेस्ट बना के नहीं डाला, पेस्ट मैं अलग से डालूंगी लेकिन ऐसे ही। और थोड़ा सा आप देख रहे होंगे मेरे कुकर पे एक निशान जैसे, तो मैं मॉर्निंग में तनु के पापा के लिए पानी गर्म करके दी थी कुकर में ही, तो इसकी वजह से थोड़ा सा निशान है। कुकर तो मेरा बिल्कुल साफ़ है, धुला हुआ है, लेकिन वो पानी का निशान यहाँ पड़ जाता, पता नहीं पानी खा रहा है कि क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। तो किसी भी बर्तन में पानी को बॉयल होने के लिए रखते हैं ना, तो ऐसे ही निशान पड़ जाता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग इग्नोर करिएगा। उसके बाद मैंने लहसुन को डालने के बाद इसमें मैंने हल्दी डाला है और 1 स्पून मतलब नमक डाला है। तो इन दोनों को डालने के बाद वापस चला के, और उसके बाद मुझे 1 सीटी लगाना है गैस को, बिल्कुल मतलब फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है। उसके बाद मैं 1 सीटी लगा ली हूँ। और 1 सीटी लगने के बाद मैंने जब कुकर को थोड़ा सा ठंडा होने के बाद खोला है तो प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। उसके बाद मैंने लौकी को डाल दिया, और आप देख सकते हैं लौकी मेरे बड़े साइजेस में है। तो यहाँ पे मैंने लौकी को डाल दिया है। अब मैं इसमें जो भी बेसिक से मसाले होते हैं, धनिया पाउडर और हल्दी मैंने पहले ही डाल दिया है, गरम मसाला, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, ये सारे मसाले को मैं इसमें ऐड करूँगी। नमक मैंने पहले ही डाल दिया है, तो अगर आपको लगे कि नमक थोड़ा सा और डालना है तो आप अलग से भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ नमक तो मैंने पहले ही डाल दिया था प्याज को गलने के लिए और लहसुन को गलने के लिए। तो उस प्रोसेस में अब मैं अक्सर ही सब्ज़ी में नमक डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने सब्ज़ी में थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि नीचे से मसाला लग ना जाए, सब्ज़ी लग ना जाए, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है मैंने। उसके बाद अब हम कुकर को बंद करेंगे क्योंकि लौकी में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लौकी तुरई ये सब ऑलरेडी पानी छोड़ता है, तो इसलिए ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद अब मैं कुकर को बंद कर दूँगी और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखूँगी या स्लो ही रखूँगी, और धीरे धीरे इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे मेरा कुकर 2 सीटी लग चुका है, और आप देख सकते हैं लौकी मेरा गल चुका है बिल्कुल, और पानी भी ज़्यादा नहीं है सब्ज़ी में। तो यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन के बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसको खाली करेंगे। तो गाइज इस तरीके से आप एक बार लौकी की सब्ज़ी बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लौकी खाने में टेस्टी भी होता है और हेल्दी भी होता है। तो हमने लास्ट में इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर दिया है, और अब हम सब्ज़ी को खाली करेंगे।
तो अब मैं तनु के पापा के लिए खाना निकाल रही हूँ। चावल, लौकी का दो प्याजा और साथ में मैंने प्याज को कट कर दिया है। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी और आप लोग बताइएगा कि लौकी की सब्जी मेरी कैसी बनी थी। तो अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है और तनु के पापा अपने साइड पे जा भी चुके हैं और आज देख सकते हैं कि कितना तेज़ बारिश हो रहा है, सीढ़ियों के रास्ते कितना तेज़ पानी आ रहा है, पूरे बालकनी पे पानी पानी हो गया है। तो गाइस बहुत तेज़ बारिश है, मैंने कपड़े वगैरह धुल के डाले हुए थे जो कि तार पे है तो हो सकता है सूख जाए, अंदर तो पानी नहीं आ रहा लेकिन बालकनी पूरा भर चुका है पानी से। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे शाम को फिर। तो गाइज अभी शाम को 5 बज रहा है और आज संडे है तो तनु के पापा आज जल्दी चले आए हम और बारिश मतलब अभी बंद हो चुका है। दिन में तो काफ़ी तेज़ बारिश था, हम भी उसके बाद सो गए थे तो अभी उठे हैं। तनु के पापा लेके आए थे उधर से मिर्ची की भज्जी, तो साथ में मैं चाय बना दी हूँ। तो गाइज आ जाइए आप लोग भी चाय पीने। और यहाँ का मतलब काफ़ी फेमस होता है मिर्ची की भज्जी, बोंडा, अंडे की भज्जी, ये सब काफ़ी मतलब फेमस होता है। तो आज वैसे भी संडे था और बारिश का टाइम था तो बारिश में पकौड़ी वगैरह खाने का तो मन होता ही है। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी चाय पीने, गर्मा गर्म चाय और बारिश में चाय और पकौड़ी का तो मज़ा ही कुछ और है। चाय वगैरह हम लोगों ने पी लिया और ये घर के कुछ सामान लेके आए थे, जैसे दाल ख़त्म हो गया था और किचन टॉवल मतलब ख़राब हो गया था सारा, तो मैंने 3-4 किचन का टॉवल मंगाया है और इसमें रोटी वगैरह फोल्ड करके रखने में बहुत अच्छा रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने दूध को मंगाया, दूध भी ख़त्म हो चुका था मॉर्निंग में, जैसे ये दूध नहीं ला पाए थे तो इस टाइम दूध लेके आए हम। और सब्जी में मैंने बनाया है करेला और भिंडी और तुरई मंगाया था मैंने, तो इस समय मतलब बारिश में यही सब सब्जी अच्छा लग रहा है। और ग्वार की फली उधर बहुत ज़्यादा ये ला रहे थे तो मेरे रिपोर्ट में पोटेशियम थोड़ा सा हाई आया था, पोटेशियम ग्वार की फली में बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से मैंने बीन्स और ये ग्वार की फली मना कर दिया। तो यही सब सिंपल सी सब्जी जो मतलब मेरे लिए फ़ायदा है, जो इनको भी फ़ायदा करेगा, तो वही सारी सब्जी मैं इस टाइम मंगा रही हूँ। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मैं सब्जियों को धुल के फ्रिज में लगा दूँ और बाकी दाल वगैरह खाली कर दूँ, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी रात के 9 बज रहे हैं तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा है कि मॉर्निंग में मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी मसाले वाली, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी बना था। और इस टाइम मैंने बनाया था रोटी और लौकी का, उसी लौकी का हाफ बचा हुआ था मेरे पास, तो शाम को मैंने लौकी का बिना मसाले का मतलब भुजिया सब्जी बनाया था, वो भी बहुत टेस्टी बना था। और आप देख रहे होंगे कि इस समय मैं चश्मा लगाई हुई हूँ क्योंकि मतलब मेरे मुझे हेडेक होता है, आप लोग को तो पता ही है, जब भी डायलिसिस कराते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो इसकी वजह से डॉक्टर कुछ कंफर्म ही नहीं कर पा रहे थे मुझे। मतलब 2017 में एक आँख में मोतियाबिंद था तो उसका ऑपरेशन हुआ था, तो इसकी वजह से डॉक्टर ने यही बोला कि हो सकता है कि आपकी आँख में मतलब लेंस में कुछ प्रॉब्लम हो, इसकी वजह से आपको मतलब हेडेक हो रहा हो, तो आप थोड़ा सा डॉक्टर को दिखा के चश्मा वगैरह लगाइए। इस आँख में मेरे पावर वाला चश्मा मतलब पावर लेंस का मतलब वो लगा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको नहीं पता मुझे, मतलब इस आँख में पावर है और ये तो नॉर्मल है, इस आँख में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक आँख में मेरे पावर लगा हुआ है, तो इसकी वजह से मुझे चश्मा लगाना पड़ रहा है। अगर मैं कोई भी काम कर रहा है तो मुझे चश्मा लगाना है, आदत तो है नहीं लेकिन इसको लगाने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन लगाना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा कि आपको चश्मा लगा के रखना है। और मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहन रखी है, सबको देख रहे थे कि हरे रंग की चूड़ियाँ सब लोग डाले हुए थे अपने अपने हाथ में, तो मैंने भी लिया प्लेन हरे रंग की चूड़ी और ये कंगन मेरे पास पड़ा हुआ था प्लेन का, तो मैंने इसमें लगा के इसको पहना है। कैसा लग रहा है गाइज आप लोग बताइएगा, मुझे तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी होती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा भर भर के चूड़ियाँ पहनती थी लेकिन अभी तो एक हाथ में चूड़ी वगैरह कुछ भी पहनने के लिए मना है, चूड़ी या घड़ी कुछ भी नहीं पहन सकते क्योंकि उस हाथ में मेरे फेस्टुला लगा हुआ है और उसी हाथ से डायलिसिस होता है, तो इस वजह से उस हाथ में तो कुछ पहन नहीं सकते, लेकिन मैंने इस टाइम दोनों हाथों में पहन रखा है, देखिए मैं दिखा रही हूँ, मैंने दोनों हाथों में पहन रखा है क्योंकि मुझे बहुत दिन बाद मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने दोनों हाथ में चूड़ियाँ डाली।
तो गाइज़ रात के डिनर में मैं बनाऊंगी लौकी की भुजिया वाली सब्जी, मतलब बिल्कुल सिंपल सा, हल्दी नमक और ग्रीन चिल्ली डाल के ही बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सी। और क्योंकि मॉर्निंग में काफ़ी मसाला वगैरह हम लोगों ने खा लिया, दोपहर में पकौड़ी वगैरह खा लिया था और मॉर्निंग में लौकी की मसाले वाली सब्जी बनाई थी, तो इस वजह से इस टाइम मैं सिंपल सा लौकी की सब्जी बनाऊंगी। और इसके साथ सेकूंगी मैं गर्मा गर्म रोटियाँ, और तनु के पापा को पराठा खाना था तो उनके लिए 2-3 पराठे बना दूंगी और अपने लिए तो रोटी ही सिंपल सा बनाऊंगी। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि जितने भी मेरे वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक प्यारे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। ओके, गुड नाइट, बाय, लव यू।